हाय एवरीवन, मेरे वेलकम बैक टू माय चैनल अमोहा। मैं हूँ मनप्रीत कौर और आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। मेरा कढ़ी चावल खाने का बहुत मन है। मेरी फ्रेंड से बात हुई थी तो उसने मुझे बोला कि मैं जयपुर आके तुम्हारे हाथ की कढ़ी चावल सबसे पहले खाऊंगी लंच में। सो आई थॉट कि आज मैं कढ़ी चावल बना लेती हूँ, बहुत दिन हो गए। सो ओके, बनाते हैं कढ़ी चावल। चलो, सो ये मैंने सब रेडी कर लिया है। इसमें छाछ है और बेसन है, नमक, रेड मिर्च, हल्दी। वैसे कढ़ी चावल सबको आता है, मैं ही क्या बना रही हूँ, बट मैं आज कढ़ी चावल बना रही हूँ। तो देखते हैं कैसा बनता है। कढ़ी तो बन रही है लेकिन उसके आलू नहीं पके हैं और एक घंटा हो गया है, एक घंटा। और कढ़ी जितना पकती है ना, मेरी मम्मी बोलती है उतनी ही अच्छी बनती है। मेरी नेक बहुत लंबी है लग रही है। ओके, सो आलू ना मुझे लगता है पहले डाल देने चाहिए थे, मैंने बाद में डाले कि चलो पक जाएंगे, बट अभी इसको और पकने की ज़रूरत है। आलू के चक्कर में ना कढ़ी बहुत ज़्यादा पक रही है। आई होप अच्छी बन जाए, फिंगर क्रॉस्ड। लेट्स सी, बनती है तो दिखाती हूँ। मेरा लंच हो गया रेडी। ये ग्रीन चटनी है और ये सैलेड, कढ़ी और राइस। राइस मैं जा रही हूँ अपना लंच करने, उसके बाद मैं थोड़ी देर सोऊंगी क्योंकि सुबह से मैं बहुत सारे काम कर लिए। मैंने ऑलमोस्ट मेरे सारे आज काम हो गए एंड हैप्पी विद दैट। और ओके, खाते हैं। वेलकम टू माई चैनल अमोहा। मैं हूँ मनप्रीत कौर एंड अभी बजे हैं 10:30 हुए हैं मे बी, और मैं जा रही हूँ पूजा करने। और मैं आजकल मेरा रूटीन बहुत अच्छा हो गया है, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, अपने सारे काम खत्म कर लेती हूँ और पूजा भी कर लेती हूँ। सो अभी मैं मिलती हूँ आपको पूजा करने के बाद, फिर देखते हैं क्या करते हैं। क्योंकि मैं पहले से नहीं बताऊँगी कि मैं क्या करूँ, कई बार मेरे प्लान चेंज हो जाते हैं। सो ओके, मेरी पूजा हो गई है। थैंक यू। आजकल मेरी आदत हो गई है, जब भी मैं पूजा करती हूँ, एक तो मैं हनुमान चालीसा और एक खाटू श्याम चालीसा पढ़ती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। सो आजकल मैं दोनों दिन से कंटिन्यूसली हूँ और टाइम से उठ रही हूँ और टाइम से सो रही हूँ। सो मेरा रूटीन ठीक हो गया, अब मैं इस रूटीन को ऐसे ही रखूंगी। सो अब मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में पोहा। और पोहा मैंने ना बहुत ही यूट्यूब से सीखा था अभी रिसेंटली, बहुत ही ईजी वे में। सो पहले मुझे बहुत ही अलग तरीके से बनाती थी, लेकिन जब से मैंने वो देखा ना, मुझे वो ज़्यादा ईजी लगने लग गया। सो मैं बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे लग रहा है। इसमें थोड़ी सी मैंने मूंगफली डाली है। अब इसको फ्राई कर देती हूँ, पहले ये फ्राई हो जाए। इसमें जो जो फ्राई करने में जो वो डालना है, थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ा सा जीरा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है, थोड़ी सी राई। ओके, इसको फ्राई करते हैं बस। ये पोहा मैंने थोड़ा सा ही पोहा, क्योंकि मैं ही खाने वाली हूँ, तो ये मैंने पोहा भिगो दिया है। जो तड़का मुझे इसमें डालना है, और ये थोड़े से अनियन ऊपर से ही, ओ शिलिया, मैंने हल्दी नहीं डाली। मैं कुछ भी करूं और उसका कचरा ना करूं, ये हो नहीं सकता। आप लोग कभी भी मेरा जो भी मैं बनाऊं उसको कभी फॉलो मत करना। अब मुझे इसमें दोबारा हल्दी का थोड़ा सा पका के डालना पड़ेगा। ओ गॉड यार, मेरे को हल्दी की भी याद नहीं रही, हल्दी से कंपल्सरी इन पोहा। ओके, अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा हल्दी का तड़का लगा के फिर डाल देती हूँ। थोड़ा सा डाल देती हूँ यार, मैं कैसे डालूँ इसको, कैसे फ्राई करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके सी, लेट्स ट्राई, कुछ तो होगा। I'm sorry. इसको डालूंगी कैसे मैं, इसमें
इसमें हम मिक्स कर लेंगे आलू। पक गई है, इसको बंद कर देते हैं। पक गई है, जल गई है। सो अगर आप भी मेरी तरह बेवकूफी कर रहे हैं, सो आप इसको मे बी अब हल्दी हो जाए। पोहे की हो गई है अच्छे से माँ बहने। मैं कभी भी पोहा बनाना नहीं सीख पाऊंगी। ओके बेबी लुक्स बेटर। मैं दिखाती हूँ आपको अपना पोहा। ये बन गया है, मेरा हल्दी भी डली है। अब इसमें थोड़ा सा नमक, अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं। मिक्स वेल। ये है मेरा सर्वाइवल पोहा। अरे यार ओके फिर भी ठीक बन गया। चलो अब चाय। मेरा नाश्ता बन गया है, मैं करने लग गई थी क्योंकि मेरी मम्मी का फोन आ गया था। सो दिस इज माई सर्वाइवल पोहा एंड टी। चलो मैं नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करने के बाद ना अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे लंच करने का ना मन नहीं कर रहा, बट आई थॉट कि अभी 1 बजे। माई हेयर्स बढ़ गए हैं गाइस, बढ़ गए हैं। सो मुझे अभी खाने का मन हो रहा है कुछ चाट टाइप्स। सो मैंने व्हाइट मटर ना भिगो के रखे थे, 2 दिन हो गए हैं भिगो के, फ्रिज में रख दिए थे। सो आई थॉट कि मैं कुछ चाट बना लेती हूँ, कि नहीं तो वेस्ट हो जाएंगे और वेस्ट नहीं करनी चाहिए चीज़ें। सी अब इसको मैं आलू डाल के पहले उबालती हूँ और फिर बनाती हूँ इसकी चाट। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं चाट कैसे बनाती हूँ। हमारे में मोस्टली ना हमारे पंजाब साइड चंडीगढ़ साइड ना कुलचे छोले मिलते हैं, यहाँ पे भी मिलते हैं बट मैंने कभी खाए नहीं आके। सो कुलचे तो नहीं है, छोले बना सकते हैं, कुलचे मुझे पसंद भी नहीं है, तो चाट बनाते हैं व्हाइट मटर की। सो पहले मैं इनको उबाल लेती हूँ फिर बताती हूँ कैसे बनते हैं। एक डाल रही हूँ मैं आलू इसी में, और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं नमक। अब मैं इसको सीटी के लिए रख देती हूँ। सो मैंने इसको चढ़ा लिया है, अभी इसको उबलने देते हैं और वेट करते हैं और फिर मैं बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ चाट मटर की। मेरे पास थोड़ी सी इमली पड़ी है, सो मैं इसको भिगो दूंगी। मैंने इसको भिगो दिया ताकि ये चाट में काम भिगो दिया। मैंने टमाटर चाट के लिए ये उबाल लिया और ये सब काट लिया, टमाटर हरी मिर्ची, टमाटर और अनियन टमाटर हरी मिर्ची और ये है मेरी क्या था ये इमली का पानी। सो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरी चाट मटर की जिसमें मैंने प्याज, आलू, टमाटर, हरी मिर्ची, इमली का पानी, नींबू, नमक, लाल मिर्च और नमक डाला है। हेलो, तो शाम के 6:30 हो गए और मैं जा रही हूँ कैफ़े जहाँ मेरी 2 फ्रेंड्स आके बैठती हैं। हम लोग शाम में वहीं बैठते हैं मोस्टली 8 बजे 9 बजे तक। सो मैं वहीं जा रही हूँ, वहाँ जाके कुछ काम भी करूँगी क्योंकि वो हम लोग वहीं वहाँ बैठ के अपना लैपटॉप पर कुछ काम भी कर लेते हैं। सो आई थॉट कि 6:30 हुआ है और वो लोग 8 बजे तक आ जाएंगे, 7:30 आएगी गाड़ी, तो मैं निकल जाती हूँ क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट आज मैं सुबह से उठी और मेरे सारे काम हो गए हैं। सो मुझे लग रहा है कि अब मुझे जाके वहाँ थोड़ा बैठ के काम कर लेना चाहिए क्योंकि इवनिंग हो गई है, मैं बस धूप निकलने का वेट कर रही थी। सो मैं बताती हूँ मैंने क्या शर्ट पहनी हुई है और नीचे जीन्स और मैं नीचे पंजाबी जूती पहन लूँगी और चली जाऊँगी। चलो निकलते हैं, पहले मेरे को अपना सामान लेना है, लैपटॉप वगैरह बैग में रख लेती। मैं जो बैग लेती थी ना, जो मेरा एक बैग था जो मैं होली पे लेके गई थी, ये वाला, ये इतना गंदा हो गया। मैंने होली पे इसको कैरी कर लिया था और इसमें पूरा कलर डाल लिया था और वो पूरा कलर कलर हो गया। सो मुझे लैपटॉप और बुक्स लेके जानी है। सो मैं तो सोच रही हूँ, मेरे पास लैपटॉप बैग पड़ा हुआ है तो मैं वो ले जाती हूँ, उसमें मुझे लैपटॉप और बुक्स डालनी है। लाइट अरे भाई चुप हो जा।
आई हैव वन बैग, सो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इसमें ही लेके जाना पड़ेगा। तो चलो मैं पहले लैपटॉप डाल लेती हूँ। गंदा सा हो रहा है, इसको साफ कर लेते हैं। जो मैंने एक अडॉप्टेड बैग, अडॉप्टेड डॉग रखा था अपने पास, उसने सीरियसली मेरे बहुत सारे सैंडल्स तोड़े हैं, मेरी हर चीज तोड़ी है वो। अब वो अपनी मेरी मम्मी के घर में है। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं नेक्स्ट मंथ शिफ्ट करने वाली हूँ, तो मैं उसको ले आऊंगी, सो हम दोनों रह लेंगे। मेरा लैपटॉप तो चार्ज हो गया है ऑलमोस्ट, इसको करते हैं बंद। और मुझे आज किसी ने कमेंट किया था कि प्लीज़ आप बताओ आपके पेरेंट्स के रिएक्शंस कैसे थे मेरे हेयर कट्स पे। मेरा इससे पहले जो बॉब कट था उस पर मेरे पेरेंट्स ओके थे कि चलो ठीक है यहाँ तक तो है और अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन इस पर मेरे फादर के रिएक्शंस तो बहुत ही सरप्राइज थे। जो मेरा पहले इससे पहले हेयर कट हुआ था उस पर मेरी मदर के ज़्यादा रिएक्शंस थे, क्योंकि पहली बार उन्होंने मुझे इतने शॉर्ट हेयर्स में देखा था। उनको ये था कि क्यों करवाए हैं, पंडितों की लड़कियां कराती हैं, सरदारों की लड़कियां नहीं कराती हैं, नहीं कराने चाहिए थे। और इस वाले हेयर कट पे मेरे फादर ने, थोड़े दिन पहले वीडियो कॉल पे हमारी बात हुई, तो मेरे फादर से ये क्या किया तूने अपने साथ, मैं पापा हेयर कट बहुत दिन हो गए अब तो बढ़ गए हैं, क्यों कराया, नहीं कराना चाहिए था। मतलब फादर मेरे गुस्सा हुआ है मेरे पे, तो मैंने उनको बोला कि बढ़ जाएंगे। और रही नेक्स्ट हेयर कट की बात, तो मेरे फादर के रिएक्शन तो सही नहीं थे, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं हेयर कट करूं, बट ठीक है ओके करा लेने चाहिए कभी कभी। उनके फादर्स मदर के लिए हमें चेंजेस, अगर आप कुछ चेंज करते हो अपने अपने ऊपर, तो उनके लिए हमेशा वो सरप्राइजिंग ही होता है, क्योंकि उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा हमें ऐसे। सो या और मैं रिसेंटली एक बुक लेके आई हूँ, रिसेंटली जिसको मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, बट मैं सोच रही हूँ कि अब मैं स्टार्ट करूँगी उसको। मैं होली पे पुष्कर से लेके आई थी एक बुक शॉप से, जहाँ से मैं मोस्टली हमेशा बुक्स लेती हूँ, और मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी वहाँ से। खैर वो नहीं, मैं बोलूँगी कौन कौन सी। मैं एक बुक लेके आई थी गाइस, और ये मुझे किसी ने बोला था एटॉमिक हैबिट्स, ये हिंदी में भी मिलती है और इंग्लिश में भी है, लेकिन ये बहुत अच्छी बुक है और बेस्ट सेलर है, सो आप भी ट्राई कर लेना। और आज मैं सोच रही हूँ कि जब तक उन लोगों का वेट करना ही पड़ेगा मुझे, और हम लोग काफ़ी देर तक बैठते हैं वहाँ पे, तो यस। और आप लोग भी हेयर कट्स ले सकते हैं, हेयर कट लेना इट्स नॉट बैड। और हमारे सरदार सिखों में पेरेंट्स के रिएक्शंस तो बहुत ही खतरनाक आते हैं, बट ठीक है हम डांट तो खा लेते हैं, हम ढीठ बच्चे हैं, बट ठीक है। चेंजेस बहुत ज़रूरी है, और टाइम के साथ हमेशा इंसान को चेंज होना चाहिए। ये कोई दुनिया में लोग तो बहुत कुछ बुरा कर देते हैं यार, ये तो फिर भी सही चीज़ है, इससे ज़्यादा ये बुरी चीज़ नहीं है कोई। ओके सो ये वाला बैग मुझे कैरी करना पसंद नहीं है, मैं बस खासी में आगे है मेरा लैपटॉप एंड ओके। हाय सो मैं पहुंच गई हूँ, मैं वेट कर रही हूँ अब अपनी फ्रेंड का, आज मैं बहुत जल्दी आ गई 7:15, वो एक 7:30 आएगी और एक 8 बजे आएगी, बट मैं बहुत जल्दी पहुंच गई हूँ। और तब तक मैं कुछ और ही कर लेती हूँ, मैं वेट करती हूँ उनका। बीच में ना मैं घर से निकलने से बाद ना मैं कुछ बोल रही थी, लेकिन मेरा कैमरा ऑन नहीं था, लेकिन मैं भूल गई हूँ। मैं तभी बोलती हूँ जब मुझे चीज़ें याद होती हैं, वरना अदरवाइज मैं बोलती ही नहीं। सो चलो आप बने रहो, वेट करते हैं उनका कब तक आते हैं, और मैं दिखाती हूँ ये कैफ़े जहाँ हम रोज़ आके अपना डेरा लगाते हैं। ये है हमारा क्यूट सा कैफ़े जहाँ पे हम बैठते हैं। मैं आ चुकी हूँ और मैं खाना वाना कुछ बनाऊँगी और मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी सुबह उठ गई थी और मैं कल भी टाइम से सो गई इसी थो। मैं अपना रूटीन बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहती। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, गुड नाइट।